हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेमिंग विद सुप। तो गाइस, कल का वीडियो हम लोग देखे कि कैसे हम लोग पबजी मोबाइल इंडियन सीरीज में रजिस्टर कर सकते हैं। बट कल इतना ऑडियंस आ गया था ये वेबसाइट में कि सर्वर क्रैश हो गया था। इसी चलते कल मेरा लॉगिन नहीं हो रहा था, बट फाइनली मेरा लॉगिन हो चुका है और आज हम लोग देखेंगे आगे का प्रोसेस। इवन आज थोड़ा रूल्स भी देख लेंगे, जितना भी रूल्स है सब कुछ हम लोग क्लियर करने वाले हैं। फिर आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा ये टूर्नामेंट से रिलेटेड। सबसे पहले मैं पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ कि कैसे आपको करना है और उसके बाद हम लोग रूल्स देख लेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे, कल जैसे लॉगिन नहीं हुआ, कल का स्टेप के बाद आज का स्टेप देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा। कल मैंने दिखा दिया था कैसे आपको लॉगिन करना है और कल तो लॉगिन नहीं हुआ, तो इसी चलते आज मैं लॉगिन कर चुका हूँ। जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद आपका इधर नाम आ जाएगा जो नाम से आप रजिस्टर किए हैं, और उसके बाद आपको इधर क्लिक करना होगा। ये जितना भी मैं प्रोसेस दिखा रहा पीसी से, ये आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, क्रोम ब्राउजर से, टोटली सेम है। और अगर कन्वीनियंट करना है तो अपने मोबाइल को डेस्कटॉप वर्जन में चेंज कर लीजिए। क्रोम ब्राउजर खोलिए, ऊपर 3 डॉट मेन्यू होगा, ऊपर नीचे डेस्कटॉप व्यू होगा, उसमें क्लिक कीजिए तो आपका पीसी जैसा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो इधर आपका नाम में क्लिक करना होगा, उसके बाद आप देख सकते हैं माय अकाउंट में जैसे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको दिख रहा होगा इधर मेरा नाम, कैरेक्टर आईडी और फ़ोन नंबर तो ब्लर हो गया होगा, ईमेल आईडी इधर है। और उधर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन आर ओपन टिल 23rd जनवरी। तो 23rd जनवरी तक आप इधर रजिस्टर कर सकते हैं इजीली। और उसके बाद अगर आप टीम का स्क्वाड का कैप्टन है तो आपको न्यू स्क्वाड जो है मतलब क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर आप मेंबर है दूसरा स्क्वाड का, तो आपको जो लीडर है मतलब जो लीडर अकाउंट बना रहे हैं उसका जो एक नंबर मिलेगा स्क्वाड आईडी, वो आईडी के अंदर कम्प्लीटली पेस्ट करना होगा। पेस्ट करेंगे ज्वाइंट स्क्वाड में, जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो लीडर है ये स्क्वाड जो बनाया है उसको एक रिक्वेस्ट जाएगा, वो बस आपका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और आपका काम हो गया। इतना ऐसा सिंपल सा स्टेप था और इस बार थोड़ा अलग था पिछले बार से। पिछले बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इस बार थोड़ा इजी है। तो बस अगर आप टीम का लीडर है, पहले बार ग्रुप में आ रहे हैं, मतलब पहला ग्रुप बना रहे स्क्वाड का, तो आपको सिंपली आपको स्क्वाड का नाम लिखना होगा, क्रिएट स्क्वाड में क्लिक करना होगा, एक नंबर मिलेगा, वो नंबर को अपने फ्रेंड के साथ जो जो स्क्वाड में खेलना चाहेंगे आपके साथ, मतलब जिसको आप अपने स्क्वाड में शामिल करना चाहते हैं, उन लोगों को अपना स्क्वाड आईडी दे दीजिए। वो सिंपली ऐसे ही आएंगे यही पेज में और वो अपना मतलब यह पेज में आएंगे और पेस्ट करेंगे आपका आईडी, और ज्वाइंट स्क्वाड में जैसे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट में एक रिक्वेस्ट आएगा, रिक्वेस्ट को आप सिंपली एक्सेप्ट कर लीजिए, वो आपका मतलब स्क्वाड में ज्वाइंट हो जाएगा। उसके बाद आप इजीली जो 15 मैचेस का सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद 15 मैच का सीरीज 21 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, उसको खेलिए और आराम से आप खेल सकते हैं और पार्टिसिपेट ले सकते हैं। इतना ही सिंपल सा स्टेप था, मैं तब भी आपको दिखा देता हूँ। तो मेरा स्क्वाड का नाम होगा साइबॉर्ग और इसको मैं अगर क्रिएट स्क्वाड पर क्लिक करूँ तो इधर लिखा है कन्फर्म, तो यस करूँगा तो एक स्क्वाड आईडी बन जाएगा। जैसे कि गाइस देख सकते हैं मेरा स्क्वाड आईडी फिलहाल आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये मेरा स्क्वाड आईडी होगा, स्क्वाड आईडी और स्क्वाड स्टेटस नॉट रेडी, क्योंकि अभी तक मैंने किसी को भी फ्रेंड को नहीं भेजा। और इधर प्लेयर रिक्वेस्ट ओपन है, मतलब कोई भी मेरा दोस्त ये प्लेयर रिक्वेस्ट करेगा तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। और जितना भी रिक्वेस्ट आएगा, जैसे कि देख सकते ये मेरा पहला स्क्वाड भरा हुआ, लीडर हूँ मैं। और ऐसे आप किसी को भी बना सकते लीडर, उसे कोई टेंशन नहीं है, बट जो बनाएगा मतलब स्क्वाड आईडी मतलब जो जनरेट करेगा वही लीडर रहेगा। और ऐसा नहीं है कि लीडर आप चेंज नहीं कर सकते, लीडर चेंज कर सकते हैं, बस सिंपली ये करना है कि आपको जो लीडर बनना चाहते हैं उसको एक स्क्वाड आईडी बनाना होगा और बाकी दोनों को ऐड कर सकते हैं, बाकी तीनों को ऐड कर सकते हैं। प्लस में क्लिक करेंगे तो ये नंबर को अपने मतलब ये नंबर आपको नहीं दिख रहा होगा, ब्लर हो गया होगा, ये नंबर को मैं अपने फ्रेंड को दे दूंगा, वो फ्रेंड सिंपली आके उधर नंबर तो पेस्ट करेगा जहाँ स्क्वाड मतलब आईडी पेस्ट करना है उधर पेस्ट करेगा और सिंपली ज्वाइन करेगा। इधर ऊपर नोटिफिकेशन दिख रहा है, इधर आपका रिक्वेस्ट दिख जाएगा, एक्सेप्ट करेंगे, आपका ये नंबर है स्लॉट है इसमें ऐड हो जाएंगे। तो इतना ही सिंपल सा स्टेप था, आपको बस ये सब फॉलो करना होगा और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। कल तो कंप्लीट कर नहीं पाया बट आज कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग देखेंगे रूल्स, कंप्लीट रूल्स क्या क्या है। और अभी भी कुछ भी डाउट है कोई भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अभी हम लोग कंप्लीटली देखने वाले रूल्स क्या है ये टूर्नामेंट का और देख लेते क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत जिनको डाउट होता है। चलिए हम लोग रूल सेक्शन में जाते हैं। तो सबसे पहला रूल सब मेरे को जैसे पता है कि आपको इंडियन होना होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो सर्वर मैं बताया कल ही कि आपको एशिया में सर्वर खेलना होगा और 4 मेंबर का एक स्क्वाड बनेगा, जैसे कि आप सब जानते हैं। टीपीपी मैचेस होगा, एफपीपी में नहीं कैलकुलेट होगा, टीपीपी मैचेस होगा। और सबसे मेन चीज़ है कि आपको इंडियन होना होगा, अगर आप इंडियन नहीं है तो
अनफॉर्चुनेटली आप ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं ले सकते हैं, कोई बात नहीं, पबजी का और भी टूर्नामेंट आएगा, बट फिलहाल के लिए ये टूर्नामेंट केवल 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 इंडियन के लिए है। तो आप इंडियन हो तो आप इजीली कर सकते हैं। और सेकेंड रूल्स ये है कि आपका जो प्लेयर आईडी है, मतलब प्लेयर प्रोफाइल है, उसका लेवल 20 का ऊपर होना चाहिए या लेवल 20 एटलीस्ट होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ ये लेवल 20 क्यों रखा गया। वो लोग चाहते थे लेवल 1 भी रख सकता है। दो क्राइटेरिया है, एक तो थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ जाता है लेवल 20 में, और इवन आप जानते हैं हैकर जो डेली बेसिस में हैकर बन रहा है तो वो क्या कहते हैं न्यू आईडी के साथ आता है, तो लेवल 20 करना उतना ईजी नहीं होता, क्योंकि भले ही आप जितना भी हैक कर ले, जितना भी कुछ कर ले, क्योंकि एक टाइम एक दिन में कुछ ही एक्सपी बढ़ता है, जो कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, जितना भी अच्छा खेल लीजिए वो लिमिटेड एक्सपी ही बढ़ता है। तो ये परफेक्ट चीज़ है लेवल 20, अगर आपका होगा प्लेयर आईडी का मतलब प्रोफाइल, तो आप डेफिनेटली इसे पार्टिसिपेट ले सकते हैं। चारों का लेवल 20 होना चाहिए, ऐसे नहीं कि लीडर का खाली हुआ बाकी का नहीं है, तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मतलब एंट्री नहीं ले पाएंगे। तो सबका चारों का लेवल 20 होना चाहिए। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का सेकेंड मतलब थर्ड क्राइटेरिया है, वो है कि आपको खेलना होगा मोबाइल में। मोबाइल में मतलब आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप का सपोर्ट नहीं लेना पड़ेगा। एम्युलेटर से खेल रहे तो मैं फिर बता रहा हूँ, एम्युलेटर वाला कैलकुलेट नहीं होगा। डेफिनेटली आप टीम में आ जाएंगे, मगर एम्युलेटर अगर खेलेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन नहीं होगा। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि एम्युलेटर प्लेयर आर नॉट अलाउ फिलहाल के लिए। आप अगर मोबाइल में खेलेंगे तब जाके आपका कैलकुलेट होगा। और उसके बाद और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था सब मैं कम्प्लीटली प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, कम्प्लीटली उसे बताया गया कैसे आपको करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा दिया प्रैक्टिकल कैसे करना है। तो ये चीज़ को हम लोग स्किप करने वाले हैं। और इन गेम क्वालिफायर, तो जैसे मैं बताया कि जैसे ही आप क्वालिफायर में मतलब जैसे आप एंट्री लेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद आपको 21 से लेकर 27 के अंदर अपने स्क्वाड के साथ जो रजिस्टर किए हैं उनके साथ TPP इरेंगल एशिया सर्वर में खेलना होगा 15 मैच मोबाइल से, और उनमें से 10 मैच जो बेस्ट होगा उन 15 मैचेस से वही उसी को कैलकुलेट करके आपका लिस्ट तैयार किया जाएगा। अगर आपका रैंकिंग अच्छा रहा, रैंकिंग कैसे होगा, रैंकिंग किल का बेसिस में, रैंकिंग आपका जो पोजीशन होता है टीम का पोजीशन पूरे मतलब मैचेस में, तो उसी के बेस में होगा। अगर आप सोच सोके कर रहे हो तो उसमें भी नहीं होगा, आपको किल भी करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू विल बी सिलेक्टेड फॉर 2000 पीपल, मतलब 2000 ग्रुप, तो 2000 टीम में आप सिलेक्ट होंगे जैसे ही आप मतलब ये 15 मैचेस का सीरीज खत्म करेंगे। अगर आप ज़्यादा पॉइंट करते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, तो इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। तो ये 21 से लेकर 27 के अंदर होगा, 21 से लेकर 27 के अंदर आपको 15 मैच खेलना है अपने स्क्वाड के साथ मोबाइल में। आप अपने एम्युलेटर से खेलेंगे तो वो कैलकुलेट नहीं होगा। तो गाइज़ अभी हम लोग देखेंगे ऑनलाइन प्लेऑफ। ऑनलाइन प्लेऑफ का कुछ रूल्स इस तरह है, आपको 10 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के अंदर मैचेस मिलेगा, वो आपको सजेस्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर सिलेक्शन। अगर आप टॉप 2000 स्क्वाड में आ जाते हैं तो आपको डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और उसके बाद आपको तीन राउंड होगा, उस तीन राउंड में से सिलेक्शन होगा। पहला राउंड होगा 2000 स्क्वाड का, उसमें से 100 ग्रुप बनाया जाएगा 2000 स्क्वाड का। हर एक ग्रुप में 20 स्क्वाड रहेगा, और उसमें से हर एक ग्रुप में से 4 स्क्वाड को सेलेक्ट किया जाएगा, मतलब टोटल 400 स्क्वाड होगा, क्योंकि 100 ग्रुप है और हर एक ग्रुप से 4 स्क्वाड जाएगा। तो 4 × 100 = 400 स्क्वाड, 400 स्क्वाड राउंड टू में जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। राउंड टू में जैसे ही 400 स्क्वाड जाएगा, उसके बाद आपका फिर से मतलब ग्रुप बनेगा, 20 ग्रुप बनेगा, उसमें से 20 स्क्वाड का एक ग्रुप बनेगा, उसमें से एक केवल एक स्क्वाड जाएगा जो फर्स्ट होगा, जो फर्स्ट होगा वो राउंड। उसके बाद राउंड थ्री में केवल 80 स्क्वाड जाएगा, जो ये 80 स्क्वाड जो बचेगा ये बेस्ट ऑफ 3 पॉइंट बेसिस नॉकआउट मैचेस खेलेगा। उसके बाद टॉप 5 स्क्वाड फ्रॉम ईच ग्रुप विल मूव ऑन टू ग्रैंड फाइनल। ग्रैंड फिनाले में आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट सिलेक्शन ऐसे होगा। तो इधर आप देख सकते हैं टाइमिंग दे दिया गया है, बेस्ट ऑफ वन 10 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के अंदर बेस्ट ऑफ वन होगा, जिसमें नंबर ऑफ स्क्वाड क्वालिफाई होगा वो है 4। 16 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक बेस्ट ऑफ वन होगा, तो उसमें आपको 4 स्क्वाड मतलब सिलेक्शन होगा। और 21 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक बेस्ट ऑफ 3 होगा, उसमें 5 स्क्वाड सिलेक्शन होगा। ओवरऑल को समझ में आ चुका होगा। ग्रैंड फिनाले में आप देख सकते हैं टॉप 20 टीम फ्रॉम ऑनलाइन प्ले ऑफ मूव टू ग्रैंड फिनाले। तो जो टॉप 20 टीम बचेगा वो ग्रैंड फिनाले जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कैंपस टूर्नामेंट में बैंगलोर गया था और सबको ओफो F9 मिला था खेलने के लिए, सब सेम प्लेटफॉर्म में, सेम इंटरनेट कनेक्शन, सेम मोबाइल। तो वैसे ही आपको मिलेगा अगर आप टॉप 20 में जाते हैं स्क्वाड में, और डेफिनेटली आप जा सकते हैं। जो भी अभी कोई वेन्यू इधर लिखा हुआ नहीं है कौन सा वेन्यू में जाना होगा, बट जब टाइम आएगा आपको पता चल जाएगा, और उधर आप आराम से खेल सकते हैं पूरे ऑडियंस के सामने, पूरे इंडियन के सामने आप खेल सकते हैं।
और उधर अगर टॉप 10 में अगर आ गया आपका स्क्वाड तो आपको कुछ ना कुछ प्राइज मिल जाएगा। जैसे कि मैं कल के वीडियो में बताया कि टॉप 10 प्लेस तक कुछ ना कुछ मतलब प्राइजेस तो है ही है। उसका कुछ हम देखेंगे, जैसे जैसे कुछ कुछ में मतलब कॉमन सी चीज़ आपको देखना होगा कि आपका जो गेम वर्जन होगा तो कम्प्लीटली सेम होना चाहिए दूसरे प्लेयर से, तो उसको आपको अपडेट करना होगा, गेम को अप टू डेट रखना होगा। उसके बाद कुछ और चीज़ें जो डिवाइसेस से आप देख सकते हैं, तो ये कम्प्लीटली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अगर आप प्ले ऑफ में कुछ भी ऐसे किए, मतलब क्वालिफायर में ऑनलाइन प्ले ऑफ में कुछ भी ऐसे कुछ करते हुए दिखाई दिए तो आपका पूरा स्क्वाड डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर आप एमुलेटर यूज़ कर रहे हैं या हैकिंग कुछ भी कर रहे हैं, थर्ड पार्टी ऐप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, पकड़ाया गया तो पूरा टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वही सेकेंड में आप और ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं ले सकते। उसके बाद जो भी टेक्निकल इश्यू होगा तो वो आपका होगा प्रॉब्लम, क्योंकि इंटरनेट और हार्डवेयर का आपका ही होगा। वो जो लास्ट वाला ग्रैंड फिनाले होगा वो टेक्निकल इशू तो वो गेम मतलब पबजी मोबाइल खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा, बट जितना भी प्ले ऑफ होगा क्वालिफायर होगा वो जितना भी इंटरनेट कनेक्शन हार्डवेयर इशू सब आपका प्रॉब्लम होगा। डिस्क्वालीफाई का अलग अलग सेगमेंट दिया हुआ है कैसे आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, अगर आप चीटिंग किए, MPC यूज़ किए, अलग अलग चीज़ यूज़ किए, तो इधर कम्प्लीटली पूरा चार्ट दिया हुआ डिस्क्वालीफाई कैसे कैसे आप हो सकते हैं। अगर कुछ भी अनफेयर मीन्स अगर आप यूज़ करते हैं ये गेम में तो आप डेफिनेटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आप में आपका पूरा स्क्वाड डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और टीम में जगह नहीं मिलेगा, मतलब आप खेलने का जगह नहीं मिलेगा। इधर आप देख सकते हैं अगर आप किसी को किल करते, कोई एनिमी को किल करते तो आपको 20 पॉइंट मिलेगा। तो जैसे कि मैं बताया ना केवल आपको सर्वाइव करना, किल भी करते जाना होगा, तब जब आपका पॉइंट बढ़ेगा तो 20 पॉइंट्स आपको एक किल में मिलेगा। तो आप जितना जितना किल करेंगे अपने स्क्वाड में जितना किल करेंगे वैसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फर्स्ट पोजिशन में आएगा उसको 500 पॉइंट मिलेगा, और जैसे करके आप देख सकते हैं सेकेंड प्लेस 95, तो अकॉर्डिंगली ये पूरा 20 टीम का स्क्वाड बनेगा, मतलब 20 स्क्वाड बनेगा, और जो लास्ट में आएगा उसको 70 पॉइंट मिलेगा। तो आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकेंगे इजीली कि आप कितना पॉइंट कर रहे हैं। आप आराम से 15 मैचेस के स्क्वाड खेलिए, उसमें से आप देखिए टॉप मतलब 10 मैच कौन सा अच्छा है, और हर एक किल का 20 पॉइंट्स है, और जितना पोजीशन में आप आ रहे हैं तो उसको कैलकुलेट कीजिए। आप खुद से भी टोटल निकाल सकते हैं, आप डेफिनेटली पता चल जाएगा कि आप सिलेक्ट हो रहे कि नहीं। तो इधर सब कुछ दिया हुआ कैसे कैसे करना है, एडमिन क्या है, रिजल्ट क्या है, और अकॉर्डिंगली सब कुछ आप देख सकते हैं। जो मैं मेन मेन चीज़ से आपको बताना था मैं कम्प्लीटली क्लियर कर दिया हूँ, और जितना भी प्रोसेस था कैसे रजिस्टर करना वो भी क्लियर कर दिया हूँ। ये दो पार्ट का वीडियो आज मैं ख़त्म करने वाला हूँ। ओवरऑल आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में से पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो और ये दोनों वीडियो अच्छा लगा तो थम्सअप दे दीजिए एक वीडियो को, दोनों ही वीडियो को थम्सअप दे दीजिए। और अगर अपने चैनल में नया अगर सब्सक्राइब कर दिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बेल का आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दिए, उससे होगा या जब भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप मेरे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।